वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है धनतेरस, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को। हैप्पी धनतेरस टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। तो आज धनतेरस है तो सभी को आज कुछ ना कुछ खरीदते हैं, ऐसा शुभ माना जाता है। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ आज खरीदेंगे। हम लोग तो दो दिन पहले ही बुक करके आए थे, वही आज जाके लेके आएंगे रात में, क्योंकि रात में ही मुहूर्त है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हम लोग का ब्लॉग। आज रिवील भी करेंगे कि हम लोग उस दिन क्या बुक किए थे, शायद आप लोग को पता भी चल गया होगा। तो फिलहाल अभी निकलते हैं, ब्रश करते हैं, जिम के लिए जाते हैं और फिर आप लोग के साथ मिलते हैं। तो हम लोग के ब्लॉग के साथ आप लोग बने रहे। तो गाइस फिलहाल अभी निकल गए हैं यांस को स्कूल से लाने के लिए। तो फिलहाल अभी पहुंचते हैं यांस के स्कूल और यांस को लेते हैं स्कूल से। पहुंच गया अयांश के स्कूल। अब अयांश के स्कूल से निकलने का वेट करते हैं। अयांश आ गया। ये क्या मिला अयांश? आ जाओ 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 जाओ। तो गाइस अयांश आ गया। देखिए अयांश को क्या मिला है। एक अयांश को गुल्लक मिला है और क्या है ये, दिखा 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 दिखो। ये दिया और चॉकलेट। वाह, सभी को मिला कि सिर्फ तुमको मिला है? सभी को मिला है। तो छुट्टी हो गया स्कूल में, दिवाली की छुट्टी। सबको हैप्पी दिवाली बोल दिए? तो निकले घर। अब लोग तो बोल दो अपने ससुर को, तो निकलते हैं हम लोग घर। तो गाइस फिलहाल अयांश आ गया, अयांश को लेके निकलते हैं हम लोग घर। अयांश आ गया स्कूल से घर। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर और देखिए ऊपर क्या हाल हो चुका है। लाइट चुका है, घर में तो देख सकते हैं पूरा पेंट वेंट अभी हो रहा है, तो पूरा कचरा हो चुका है। तो गाइस अभी हम लोग के घर में हो रहा था पेंट और हम लोग का पुट्टी जो था वो स्टॉक खत्म हो गया था। तो अभी आए हुए हैं पुट्टी वाले शॉप पे पुट्टी खरीदने के लिए। तो दो बोरा पुट्टी का भी डिमांड है और अब मुझे लगता है दो बोरा पुट्टी में सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी पुट्टी खरीदते हैं, उसको घर पहुँचाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस फाइनली हम लोग का धनतेरस का जो सामान जो हम लोग ने उस दिन खरीदा था वो आ गया है। देख सकते हैं हम लोग के पीछे गाड़ी में रखा हुआ है और इसमें बहुत सारा सामान है। आप देख सकते हैं इसमें से एक सामान हम लोग का है। तो फाइनली हम लोग एट द एंड ऑफ द डे रिवील करेंगे कि वो क्या है। फिलहाल अभी वो गाड़ी से उतर रहा है, फिर उसको अंदर रखवाते हैं सेफ जगह पर, क्योंकि अब अंदर काम हो रहा है, गंदा ना हो जाए। तो फिलहाल उसको रखवाते हैं हम लोग, फिर रिवील करेंगे कि कौन सा सामान है हम लोग का। तो गाइस ये देखिए ये आ रहा है हमारा वॉशिंग मशीन। कहाँ अभी कहाँ रखवाना है? तो गाइस अभी हम लोग का काम खत्म हुआ नहीं है घर में, इसीलिए हम लोग अभी इसे यहीं पे रखवा ले रहे हैं। देख ही रहे हो अभी बाहर में टाइट सिंगना बचा हुआ है। तो आ गया गाइज, अभी आए हुए हैं टाटा शोरूम। वो जो टायर के लिए हम लोग ने अप्लाई किया हुआ था इंश्योरेंस के लिए, तो उसका काम लगभग हो गया है। तो उसी प्रोसेस के लिए अभी आए हुए हैं टाटा शोरूम, तो अभी आपको दिखाते हैं। तो गाइज अभी शोरूम आ गए हैं और भैया अभी अंदर गए हैं, तो अभी हम भी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि काम अभी तक कहाँ तक अभी तक काम हुआ है और फिर यहाँ से निकलते हैं। गाइज अभी काम तो हो गया जिस चीज़ के लोग यहाँ पे आए थे और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो घर पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 9 और अभी हम लोग को फुर्सत मिला है दिवाली की शॉपिंग करने की, मतलब पूजा का जो जो सामान होता है तो वही खरीदने भी आए हुए हैं। धनतेरस का तो हम लोग जो शॉपिंग था वो कर ही लिए थे, घर भी आ गया था जो हम लोग खरीदे थे। तो फिलहाल अभी शॉपिंग कर रहे हैं, पूजा का सामान ले लिए भाभी। और तो गाइज देखिए यहाँ पे पूजा का सामान की खरीदारी की जा रही है और अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग ये सोच के लेट से आए थे कि काम भी हम लोग अपना सारा कंप्लीट कर लिए थे
और ये भी सोचे थे कि भीड़ कम हो जाएगा रात अगर थोड़ा लेट से जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, भीड़ अभी बाकी है और मार्केट पूरा सजा हुआ है अभी। तो फिलहाल अभी लेते हैं सामान यहाँ से, फिर आगे चलते हैं। के लिए माला और पसंद कर रहे हैं और उनका कपड़ा भी लिए, बहुत सारा चीज ले रहे हैं और जो देखते जा रहे हैं ना तो याद आते जा रहा है कि क्या क्या लेना है, ऐसे तो लिखा हुआ भी लेना है ना। वैसे तो मन कर रहा है पूरा मार्केट लूट ले घर से जाते बट बहुत सेलेक्ट करके कोई चीज लेना पड़ रहा है। तो ये ले लिए, ये वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया भी है और चरण भी है, लेकिन चरण भी है यही तो चरण तो वहाँ चिपका नहीं है, अलग है, एक साथ नहीं है। गाइस शॉपिंग करते करते अयांश को लग गई है भूख, तो अयांश खा रहा है यहाँ मोमोस, वेज मोमो, वेज मोमोस अयांश खा रहा है। भूख लग गई थी बहुत जोर का, ठीक है खाओ। घर आना पड़ा क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आहाना सो गई है और आयांश भी एक नींद मार लिया है गाड़ी में, अभी सो के उठा है। तो मैंने इन दोनों बच्चों को लिया और बोला कि चलो हम ये दोनों बच्चों को ले जाते हैं घर में, ये लोग रेस्ट कर लेंगे और भाभी भैया है मार्केट में, ये लोग अपना सामान खरीद के आएंगे। जो बचा कुछ ऐसे आधा सामान तो हम लोग ले ही लिए थे, थोड़ा बहुत कुछ कुछ सामान बचा हुआ था तो वो लोग लेके आएंगे। तो जब वो लोग आ जाएंगे तब हम लोग नीचे जाएंगे, फिलहाल अभी यहाँ हम लोग थोड़ा बच्चे लोगों को सुला देते हैं। तो गाइज रात के 11 बज चुके हैं और अभी मैं मार्केट से, हम लोग सब कोई गए थे बट क्या हुआ कि आना बीच में रोने लगी तो श्रुति और विक्की को घर आना पड़ा। और आज मैंने धनतेरस का शॉपिंग किया, सब पूजा वगैरह का सारा सामान लेके आ गए हैं। तो गाइज बहुत भीड़ थी, 11 बजे भी इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। और अभी आए हैं तो थोड़ा सा 5 मिनट रिलैक्स किए और आज भी हम लोग जो मतलब घर का जो काम है वो कम्प्लीट नहीं हुआ, एटलीस्ट कल तक लगता है घर पे काम चलेगा। अब पता नहीं दीपावली के दिन हम लोग का क्या हाल होने वाला है, पता नहीं। फिलहाल गाइस तो मैं अभी आ गई हूँ उनको खाना देने के लिए, खाना देके रेस्ट करूँगी। देख रहे हो मेरे आँख, देख रहे हो ना एकदम थके थके से, मतलब इतने थक गए ना कि ब्लॉगिंग भी करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब बॉडी को आराम नहीं मिल रहा हम लोग को एकदम, और ऊपर से घर में काम लग गया जिसके कारण तो और भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिलहाल गाइस पहले मैं दे देती हूँ इनको खाना और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर पे। तो क्या खाना दे रहे हैं बताते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस तो खाना कुछ ऐसा है, पराठे है, आलू की भुजिया है और ये मिक्सचर है और ये अनियन है। तो गाइस आप सोच रहे हो कि ये मिक्सचर का कॉम्बिनेशन क्या है, तो कभी कभी हम लोग ऐसा खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है और जानबूझ के मिक्सचर के साथ रोटी पराठा या फिर भी कुछ भी खाना बहुत टेस्टी लगता है, तो बहुत मज़ा आएगा। तो फिलहाल दे देते हैं। तो गाइस आ चुके हैं डिनर वगैरह सारा करने के बाद, आपको पहुंच चुके हैं हम लोग क्या करने के लिए, गुड नाइट। तो गाइस आज का धनतेरस का दिन तो बहुत ही हम लोग का मजेदार रहा, काम कर करके हालत खराब हो गया और रात 11 बजे पहुंचे जैसे आपको बताई है, बट हम लोग अपना जो हम लोग के घर में जो आया वो आपको आज नहीं दिखा पाए, उसके लिए सॉरी। तो ये जो रिवील है वो आप कल होगा, आज नहीं कल। बहुत बड़ा टेंशन हो गया था, वो तो सॉल्व हो गया और अभी एक और है जो अभी तक नहीं हुआ। क्या क्या टेंशन क्या हुआ था? जो हम लोग को पार्सल जी है वाला था आदमी है, वो वाला था है? पता नहीं चला। कहना क्या चाहते हो बेटा? मतलब कि वो वाला जिससे हम लोग मंगवाए थे या दूसरा वाला? नहीं नहीं वही वाला, मतलब ये इसका कहने का अर्थ ये है कि जो हम लोग को डिलीवरी करके गया है बॉय, तो हम लोगों ने उसके हाथ में कैश दे दिया, तो वो जो है वो कैश दुकान तक गया कि नहीं गया, क्योंकि वहां से कभी कोई कॉल नहीं आ रहा, हम लोग भी नहीं ध्यान दिया। अभी हम लोग का दिमाग मतलब दिमाग में वो बात आया, ये बोले कि तुम लोग कैश दी तो बात की कि नहीं की, तो अभी जब हम लोग कॉल कर रहे हैं तो बात नहीं हुआ, क्योंकि रात 12 बजे कौन उठाएगा फोन भाई। तो ये बोले टेंशन मतलब सब ओके ही होगा अपने। और हाँ वॉशिंग मशीन हम लोग आपको कल दिखाएंगे क्योंकि आज काफी नाइट हो गया था, पता चली गया है कि हम लोग वॉशिंग मशीन लिए हैं, बट हम लोग कैसा है क्या मॉडल है सब आपको कल बताएंगे। डब्बा जब निकाल रहे थे उसी टाइम तो बोल दिया था आ गया था हम लोग का वॉशिंग मशीन। अब वो अयांश का फेवरेट है।
अच्छा ठीक है, नहीं बोले तो अभी हम लोग एंड करें। तो अभी के लिए हम लोग गाइस कहते हैं बाय बाय, गुड। अच्छा बोलो बोलो ठीक है, बाय बाय से पहले थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स करते रहिएगा गाइस। आप लोगों को शेयर नहीं कर रहे हो ना सब्सक्राइब कर रहे हो, तो व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज बढ़ाने। तो फिलहाल गाइस हम लोग अपने आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।